एक शिमला मिर्च कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन, हाफ कप बॉइल्ड कॉर्न, बारीक कटी धनिया पत्ती, गोलाई में कटा हुआ प्याज, गोल कटा हुआ टमाटर। मेयोनीज आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं ये टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस जो है यूज़ कर रही हूँ, तो आपके पास जो भी सॉस है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रीन चिली सॉस नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन टोमेटो सॉस कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ और उसमें मसाले डालें, नमक, मिर्च और हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालें और थोड़ा सा मीट मसाला डाल दें उसके अंदर, और मसाले अपनी टेस्ट के अनुसार आप डाल के उसको कम से कम 4 से 5 घंटे मैरिनेट करके रख दें। गरम कढ़ाई में तेल डाल के गरम करेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है तो चिकन को छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, उसमें कटा हुआ जिंजर और गार्लिक भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा भूनेंगे, करीब 30 सेकंड तक। और फिर उसमें प्याज डालेंगे, और प्याज भी ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का कच्चा रखेंगे उसको। प्याज को भून लिया है 1 मिनट के करीब। बस इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ, और इसको मीडियम आंच पे भूनेंगे जब तक कि ये पक ना जाए, और बीच में हिलाते रहेंगे। गेहूं का गूंदा हुआ आटा है ये। ये नॉर्मल गेहूं का गूंदा हुआ आटा है जिससे हम रोटी बना रहे हैं। रोटी को पतला बेलेंगे। तवा गरम हो चुका है, तवे पे बटर डाल के रोटी को सेकेंगे। आप चाहें तो दोनों तरफ घी या बटर लगा के रोटी को सेक सकते हैं। दूसरी तरफ चिकन भी पक चुका है। शिमला मिर्च और कॉर्न को इसमें ऐड करेंगे, और शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, उसको हल्का कच्चा रखेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, गैस को ऑफ कर देंगे, और उसके अंदर नमक टेस्ट के अनुसार और काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस जो इसमें ऐड करेंगे, और कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे, और दूसरी तरफ रोटी को भी जो हिलाते रहेंगे कि वो जल ना जाए।
रोटी पे मेयोनीज स्प्रेड करेंगे। चिकन को भी रोटी के ऊपर स्प्रेड करेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।